पिछले एपिसोड में हमने आपको ग्रीक और हिंदू धर्मों की कहानियों और उनके किरदारों में कितनी समानता है उसके बारे में बताया था। उस वीडियो को आप लोगों का काफी प्यार मिला और आपके कहने पर हम इस सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों प्राचीन ग्रीक कहानियों पर भारतीय संस्कृति और पुराणों की छाप दिखाई देती है और कैसे ग्रीक देवता हेराक्लीस का किरदार भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित होकर लिखा गया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वो कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उस वक्त भारत में उसने जो कुछ देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नाम के एक पुस्तक में किया। इसी मेगास्थनीज ने यह श्री कृष्ण की कहानियां सुनी और फिर बाद में वो उसी कहानियों को यूनान तक लेकर गए और वहां उन्होंने श्री कृष्ण को हेराक्लीस का नाम दिया और ये कहानियां उन्होंने स्थानिक लोगों को सुनाई और इस तरह ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और तभी से हेराक्लीस ग्रीक माइथोलॉजी के हीरो बन गए और वहां के लोग उन्हें पूजने लगे। बाद में हेराक्लीस की कहानियों से प्रभावित होकर रोमन इतिहासकारों ने हरक्यूलिस के पात्र को लिखा जो वहाँ की कहानियों का हिस्सा बन गए और काफी मशहूर भी हो गए। उन पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है। आइए अब देखते हैं कि कैसे इस किरदार को भगवान कृष्ण से प्रेरित होकर लिखा गया था। जैसे भगवान कृष्ण के जीवन में उनके मामा कंस उनके दुश्मन थे और कृष्ण को मारने के लिए वो अपने अलग अलग राक्षसों को भेजते थे। श्री कृष्ण जब छोटे थे तब उन्हें मारने के लिए उनके मामा कंस ने एक सांप को भेजा था जिसे श्री कृष्ण ने मार गिराया था। ठीक इसी तरह हेराक्लीस की सौतेली माँ उसकी जान की दुश्मन थी और हेराक्लीस को जन्म लेने से रोकने के लिए उसने अनेक प्रयास किए जैसे कंस ने किए थे और हेराक्लीस के पैदा होने के बाद भी उसने उसे मारने का एक मौका नहीं छोड़ा था। उसने भी उसे मारने के लिए सांप भेजे थे जिनको छोटे हेराक्लीस ने मार गिराया था। गांव वालों को तेज बारिश से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और तब सारे गांव वालों को उनकी शक्ति का एहसास हुआ और लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। हेराक्लीस को भी ऐसे ही ताकतवर दिखाने के लिए उनकी कहानी में भी ऐसा प्रसंग जोड़ा गया और ऐसा कहा गया कि उन्होंने पूरा ब्रह्मांड ही अपने कंधे पर उठाया था। श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अपने एक राक्षस को भेजा जिसने एक बगुले का रूप लेकर श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उस बगुले की गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। हैरानी की बात यह है कि यूनानी कहानियों में भी एक ऐसी ही घटना का जिक्र मिलता है जिसमें हेराक्लीस ने भी एक ऐसे ही पक्षी का रूप लेकर आए राक्षस को मार डाला था। जब एक बार फिर से कंस ने केशी नामक एक दैत्य को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, घोड़े के रूप में आए इस दैत्य को भगवान कृष्ण ने हमेशा की तरह मार गिराया और अपनी और गांव वालों की रक्षा की। अब देखते हैं हेराक्लीस की कहानी। डियोमेडिस नाम के एक दैत्य ने अपने चार घोड़ों को हेराक्लीस को मारने भेजा, लेकिन उसने काफी बहादुरी से उनका मुकाबला करके उन्हें मार गिराया। नृसिंह जो भगवान कृष्ण का ही एक अवतार था, उसका धड़ आदमी का और सिर शेर का था। ग्रीक परंपराओं में पुनर्जन्म या अवतार पर विश्वास नहीं रखा जाता था, इसीलिए हेराक्लीस की कहानी में थोड़े बदलाव किए गए। कहा जाता है कि उसने एक बड़े शेर को मार गिराया था और उस शेर का सिर वो अपने मुकुट के तौर पर पहनता था। हेराक्लीस और हरक्यूलिस को कई प्रसंगों में ऐसा दिखाया गया है जैसे भगवान नृसिंह का रूप होता था। मामा कंस द्वारा भेजा गया अरिष्टासुर नाम का राक्षस जो एक बैल का रूप लेकर आया था, श्री कृष्ण ने उसका मुकाबला करके उसे मार गिराया। ठीक इसी तरह हेराक्लीस ने भी एक राक्षस का मुकाबला किया था जो एक बैल के रूप में आया था। हिंदू पौराणिक कहानियों में भगवान कृष्ण और कालिया नाम के एक सांप के बीच लड़ाई होने का जिक्र है। यमुना नदी में एक भयंकर सांप रहता था जिसके विष के प्रभाव से नदी का पानी दूषित हो रहा था। गांव वालों को इस सांप से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने उससे लड़ाई करके उसे मार गिराया। ठीक ऐसे ही यूनानी पौराणिक कहानियों में हेराक्लीस ने गांव वालों को हाइड्रा नाम के एक सांप से बचाने के लिए
उससे युद्ध करके उसे मार डालने का वर्णन मिलता है। इस तरह हमने देखा कि कैसे ग्रीक कहानियों पर भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देती है। सिर्फ ग्रीक ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हजारों लाखों साल पुरानी कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि हिंदू और भारतीय संस्कृति और उसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैला था। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर इस सीरीज का तीसरा एपिसोड बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।